नाथ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज हम वेजिटेबल मंचूरियन बनाएंगे। मंचूरियन को हमें फ्राइड राइस के साथ सर्व करना है और ये बनाना बहुत ही आसान है। मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम मंचूरियन बॉल बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले कैरेट लेने हैं हाफ कप, साथ में कैप्सिकम लेना है हाफ कप और कैबेज लेनी है 1 कप। आप आपके हिसाब से कोई भी वेजिटेबल कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सभी को हमें फाइनली चॉप करना है। वेजिटेबल फाइनली चॉप हो गया है, अगर आपको ग्रेट करना है तो ग्रेट कर सकते हैं। अब हमें ब्रेड की स्लाइस लेनी है। ब्रेड आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड की वजह से हमारे मंचूरियन बॉल अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी और जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो बहुत ही अच्छे टेस्ट में बनते हैं। ब्रेड को हमें स्क्वीज करके उसमें से जितना भी पानी है वो सब निकाल देना है और ब्रेड का ऐसे ही सेम सॉफ्ट डो बनाना है। ऐसे करके हमें जितने भी क्वांटिटी में चाहिए वो हिसाब से ब्रेड लेने हैं और ब्रेड को हमें ऐसे ही स्क्वीज करना है। अब ये ब्रेड में हमें चॉप्ड वेजिटेबल्स डालने हैं जो हमने चॉपर में चॉप किए थे। अगर आपको ग्रेट करना है तो ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ग्रीन चिली जिंजर पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून, साथ में कोरिएंडर डालेंगे 1/2 कप। कोरिएंडर के वजह से इसमें टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे 1 कप। अगर आपको व्हीट फ्लोर डालना है तो मैदे की जगह पर व्हीट फ्लोर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें मंचूरियन मसाला आता है वो हमें इसमें डालना है। ये मंचूरियन मसाला से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ये हमें 1 टीस्पून डालना है या फिर आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये डालने के बाद इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे 1/4 टीस्पून, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें ब्राउन विनेगर डालेंगे 1/2 टीस्पून और साथ में सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस हमें 1 टीस्पून डालना है। अब इसे हमें सॉल्ट डालना है। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के अनुसार डालें और ये सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। लेकिन इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि वेजिटेबल्स में पानी निकलता है और साथ में ब्रेड में भी पानी रहता है, तो वो सभी चीज़ जब मिक्स करेंगे तो अच्छे से मर्ज हो जाएगी। तो इसका डो हमें बनाना है, अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन इसमें वाटर यूज़ नहीं करना है और इसे एक सरीखा हिलाना है। और ये वेजिटेबल्स को हमें ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं या बारीक चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑनियन डालना है तो इसमें ऑनियन भी आप डाल सकते हैं। अब हम हाथ में ऑयल लगाएंगे और हमने जो डो बनाया था उसमें से मंचूरियन बोल के हम शेप बनाएंगे। इसके लिए हमें राउंड शेप नहीं देना है, आप अनइवन कोई भी शेप आप दे सकते हैं। ऐसे करके हमें सभी मंचूर बोल को हमें ऐसे रेडी करना है, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। मंचूरियन बोल हमने शेप बना के रेडी कर दिए हैं, अब इसे हमें फ्राई करना है। गैस को हमें फास्ट रख के मंचूरियन बोल को हमें फ्राई करना है। मंचूरियन बोल को हमें फास्ट गैस पे ही फ्राई करना है और इसे एक एक करके डालना है और फास्ट गैस पे हमें फ्राई करना है। ये मंचूरियन बोल को आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी इसे खा सकते हैं या फिर ये मंचूरियन बोल के आप ड्राई मंचूरियन भी बना सकते हैं, वो भी टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप स्टार्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मंचूरियन बोल को आप अगर सेज़वान सॉस डालेंगे तो ये सेज़वान मंचूरियन बन जाएंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। मंचूरियन बोल को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है और ये ब्राउन हो गए हैं तो इसे अब हम टिश्यू में निकाल के ऑयल निकाल देंगे। हम मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमें ऑयल लेना है। ऑयल में हमें 1 टेबल स्पून जितना गार्लिक एकदम फाइनली चॉप लेना है और इसे हमें
स्टर फ्राई करना है। इसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून जिंजर डालेंगे। इसे या तो आपको बारीक चॉप करना है या फिर ग्रेट करना है। इसमें जिंजर और गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहनी चाहिए। तो ये दोनों को डाल के हमें इसमें ग्रीन चिली डालनी है। ग्रीन चिली आप आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून डाली है। इसमें हम फाइनली चॉप स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, उसके साथ हम इसके लीव्स पे डालेंगे और ये दोनों को हमें फास्ट गैस पे स्टर फ्राई करना है। ऑनियन जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसमें हमें चॉप्ड वेजिटेबल जो हमने किए थे वो हमें 1 कप डालने हैं। वेजिटेबल्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप जैन है तो आप इसमें से गाजर है, ऑनियन है, उसे स्किप कर सकते हैं, और जिंजर की जगह पे आप सॉल्ट पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें सॉल्ट डालना है ताकि हमारे वेजिटेबल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और इसे स्टर फ्राई कीजिए। वेजिटेबल को अच्छे से स्टर फ्राई करने के बाद इसमें हमें वाटर डालना है। मैंने 500 ml वाटर डाला है, और ये डालने के बाद वाटर को हमें एकदम बॉयल हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है। और ये होने के बाद इसमें हमें सब मसाला करना है। तो इसमें हम सोया सॉस 2 टेबलस्पून डालेंगे और ब्राउन विनेगर 1 टीस्पून डालेंगे। अगर आपको खटाई कम चाहिए तो आप ब्राउन विनेगर थोड़ा कम डालें। अब इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून डालना है, और इसे सभी को मिक्स करना है। अब इसमें हमें चिंग्स का वेजिटेबल मंचूरियन मसाला लेना है। ये मसाला हमें 2 टीस्पून जितना मंचूरियन की ग्रेवी में डालना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको MSG पाउडर डालना है तो आप डाल सकते हैं। बाहर रेस्टोरेंट में हमें जो मंचूरियन मिलता है उसमें बहुत सारा MSG रहता है, टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ। अब आपको एक बाउल में वाटर लेना है, और वाटर में हमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसकी स्लरी बनानी है। मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। मंचूरियन की ग्रेवी जब बॉयल होने लगे तब इसमें हमें ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सर डालना है, और मिक्सर डालने के बाद हमें इसे नॉनस्टॉप हिलाना है, वरना कॉर्नफ्लोर के इसमें लम्स हो जाएंगे। तो इसे मिक्स करते रहना है, और गैस को हमें फास्ट रखना है, और इसे उबालते रहना है। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिए, थोड़ा सॉल्ट हमने पहले भी डाला था तो उसे माइंड में रख के डालना है। अगर आपको थोड़ा स्वीट टेस्ट पसंद है तो इसमें 1/2 टीस्पून शुगर आप डाल सकते हैं। मंचूरियन की ग्रेवी अब रेडी हो गई है, और जब इसे हमें सर्व करना है वो टाइम पे हमें इसमें मंचूरियन बोल डालना है। तो मंचूरियन बोल डालने के टाइम हमारी ग्रेवी एकदम बॉइलिंग रहनी चाहिए, और उसमें हमें जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो हिसाब से हमें इसमें मंचूरियन बोल डालने हैं, और इसे मिक्स करना है। मंचूरियन बोल हमने ब्रेड में से बनाए थे, तो ब्रेड को जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो अंदर से सॉफ्ट बन जाते हैं, और ये जब हम इसे यूज़ करते हैं खाते हैं तो ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और स्पॉन्जी बन जाते हैं। अगर आप सिर्फ फ्लोर से बनाएंगे तो इसकी स्पॉन्जीनेस ब्रेड में से बनाते हैं वैसी नहीं रहती है। तो मंचूरियन बोल बनाते टाइम आप अगर आप ब्रेड यूज़ करेंगे तो मंचूरियन बोल जैसे ग्रेवी में पड़ेंगे ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे बनेंगे और स्पॉन्जी बनेंगे। ये देखिए हमारे मंचूरियन बोल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बॉयल हो गए हैं। मंचूरियन हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, सेम ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, और ग्रेवी और मंचूरियन अच्छे से मर्ज हो गए हैं। हमारा वेजिटेबल मंचूरियन तैयार हो गया है। अब इसे हमें स्प्रिंग ऑनियन की लीव्स से हमें इसे गार्निश करना है, और इसे हमें सर्व करना है। ये मंचूरियन टेस्ट में बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मंचूरियन को आप फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, और फ्राइड राइस की रेसिपी मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप इसे रिफ़र कर लें। फ्राइड राइस और मंचूरियन ये चाइनीज़ आइटम है, और ये सभी को बहुत ही पसंद आती है। इसे ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए।